हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ क्रिसमस स्पेशल एगलेस चॉकलेट टफल्स कपकेक की रेसिपी, जिसे हम बिना ओवन के कढ़ाई में बना रहे हैं और आपके साथ में शेयर करने लाई हूँ। ये बड़े ही सॉफ्ट और होममेड कपकेक्स हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। दिखने में बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं। किड्स के तो ये बड़े फेवरेट होते हैं और ये घर में बना के खिलाएंगे तो सेहत भी अच्छी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाउल में हमने 1/4 कप ऑयल लिया है और साथ ही में 1/4 कप हमने कर्ड लिया है। दोनों को बाउल में डाल देंगे और सेम क्वांटिटी रखनी है और इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हुए पाउडर शुगर यूज़ करेंगे। 2 टेबल बिग स्पून पाउडर शुगर डाल रहे हैं। सेम आप अगर पाउडर शुगर ना हो तो आप चीनी को मिक्सी में पीस सकते हैं और 2 बड़े चम्मच इसमें डाल सकते हैं। मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे अच्छे से फेंटें। बिल्कुल कंटिन्यूसली इसको अच्छे से फेंटना है क्योंकि इसको फेंटने में 5 से 10 मिनट लग सकती है। फिर इसे हम अच्छे से फेंटते जाएंगे और जब ये अच्छे से फिटा हुआ जाएगा उसके बाद हम छलनी रखेंगे जिस पे मैदा छानते हैं। तो मैंने 1 कप मैदा ली है, उसमें बेकिंग पाउडर डाला है 1 छोटी चम्मच और साथ में ही बिल्कुल छोटी सी 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। सेम आपको भी इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। कोका पाउडर डाला है, 1/4 कप कोका पाउडर डाला है। सेम आपको भी इसी तरह कोका पाउडर डालना है और छलनी से इसे आराम से छान लेना है। जब ये हम छलनी से अच्छे से छान लेते हैं तो ये सब पूरा मिक्स हो जाता है, तो हमें कुछ नहीं करना। अब ये कुछ लास्ट में कुछ बच जाता है तो इसको हम हाथ से रब्स कर देंगे। सेम इसी तरीके से तो इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं और इसको अच्छे से मिलाएंगे पूरे कि हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी हो जाए और इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। सेम इसी तरीके से हमें मिलाना है और इसे कंटिन्यू मिलाते जाना है। तो ये देखिए बैटर गाढ़ा हो गया है और हम अब इस बैटर में कुछ एडिंग करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले हम इस बैटर को साइड में करते हैं, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हमने कॉफ़ी पाउडर लिया है और उस कॉफ़ी पाउडर में 2 चम्मच हॉट वाटर डाला है और इसको भी अच्छे से मिला लिया है। जो हमारा मिक्सचर था उसके अंदर हमने इसको डाल दिया है। सेम इसको डालने के बाद कॉफ़ी का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। वैसे ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें आप चाहे तो नहीं डालें, बट कॉफ़ी डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, चॉकलेटी सा। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें, जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो उसको फेंटें कंटिन्यूसली। और जब हमारा कॉफ़ी पाउडर और ये दोनों बिल्कुल मिक्स हो जाए उसके बाद हमको रूम टेम्परेचर से मिल्क डालना है, 2 बिग स्पून। ठीक है, आपको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने 1/2 कप डाला है, आप 2 टेबल स्पून डालिए क्योंकि इसका बैटर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरा बैटर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम कप केक के लिए रेडी करते हैं। तो सबसे पहले कप केक की हमने ट्रे ली है, उसमें हम ये बाउल्स लगा रहे हैं। सेम इसी तरीके से आप सभी बाउल्स लगा दीजिए एक एक करके और इसमें बैटर है जो आप डाल दीजिए। बैटर डालते समय आपको इन बात का ध्यान रखना है, बैटर 1/2 कप में ही रखें क्योंकि जब हम इस 1/2 कप भरेंगे उसके बाद ये फूलता है, इस जैसे ही फूलेगा तो ये बाहर आएगा। तो आपको 1/2 कप तक ही रखना है, कुछ इंच खाली रखना है। सेम इसी तरीके से अब हम इसी को कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं। तो हमने कढ़ाई ली, गैस ऑन की, मीडियम फ्लेम पे हमने नमक डाला और उसके बाद इस ट्रे को इस पे रख दिया है। आपके पास जो भी हो उससे इसको ढक दे, अच्छे से ढक दे और ढकने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ हम गर्म पानी करते हैं और हमारी चॉकलेट मेल्ट करते हैं जिससे हम डेकोरेट करेंगे। सेम इसी तरीके से मैंने उसमें 1 चम्मच क्रीम डाली है, हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई थी और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून क्रीम डाली है, फ्रेश अमूल क्रीम यूज़ की है। तो चलिए चेक करते हैं, हमारे कपकेक्स अभी बने नहीं और ये 10 से 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाते हैं। इसकी फ्लेम लो रखनी है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे फूल गए हैं। अब हम टूथपिक से इसे चेक करेंगे कि हमारे कपकेक रेडी हैं या नहीं। तो हमारे कपकेक ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको डेकोरेट कर लेते हैं। सेम इसी प्रोसेस में हम डेकोरेट कर रहे हैं। आप चाहें इसे डेकोरेट चाहें किसी से भी कर सकते हैं, कोई भी नोज़ल यूज़ कर सकते हैं। मैं विदाउट नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। तो सेम आपको किसी भी नोज़ल का यूज़ करके इसको बड़ी अच्छी सी शेप दे सकते हैं और चाहें इस पे स्टार हो या आप गोल्डन सिल्वर पर्ल मोती हो, तो आप किसी भी चीज़ से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो सेम मैंने
इस तरीके से किया है। आपको मेरी ये कपकेक रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी क्रिसमस।